हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वेरियस एंगल पे वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे और उससे रिलेटेड किस टाइप का क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं साइन 105 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। इससे पिछली वीडियो में भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वेरियस एंगल पे वैल्यू फाइंड करना सीखी थी, ठीक है दोस्तों। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं साइन 135 डिग्री, हाँ जी, इससे पिछली वीडियो में हमने इसको कैसे लिखा था, साइन 90 + 45 लिखा था, 90 + 90 + या 180 + या 180 - 270 + इस फॉर्म में लिखना था। हाँ जी, मैंने इस फॉर्म में क्यों लिखा इसको 90 प्लस, क्योंकि मुझे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री इन एंगल की वैल्यू पता है, ठीक है दोस्तों। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में मुझे इन एंगल की वैल्यू पता, तभी मैंने इसको 90 + 45 डिग्री की फॉर्म में लिखा, ठीक है, ताकि 90 + थीटा कोस थीटा कोस 45 बन जाए और कोस 45 की वैल्यू मुझे पता है, मैं पुट कर दूँ, ठीक है। इसको लिख के देखें 90 प्लस फॉर्म में, इसको लिख के देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। हाँ जी, 90 प्लस में कितने होते हैं 15, 90 प्लस में 15 डिग्री। हाँ जी, इसको 90 प्लस थीटा करके देखते हैं तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा। हाँ जी, आपको कोस 15 की वैल्यू पता है, हमने कोस 15 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री टेबल में नहीं सॉल्व की, हमें कोस 15 की वैल्यू नहीं पता, हमें 0 डिग्री की वैल्यू पता, 30 डिग्री की वैल्यू पता, 40 डिग्री की वैल्यू पता, 60 की पता, 90 की पता, मुझे 15 डिग्री की नहीं पता वैल्यू, कोस 15 डिग्री क्या होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जहां मैं इसको 90 प्लस की फॉर्म में या 180 प्लस की फॉर्म में, 90 माइनस की फॉर्म में नहीं लिख सकता, तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। जैसे साइन, हाँ जी, मुझे किस किस एंगल की वैल्यू पता है, इन 5 एंगल की वैल्यू पता है, मैं इन 5 एंगल के सम या माइनस की फॉर्म में लिखूंगा। जैसे इसको मैं 60 + 45 लिख सकता हूँ, 60 और 45 105 होते हैं, ठीक है दोस्तों। हाँ जी, इसको ए मान लो और इसको बी मान लो, ठीक है। अब ये क्या बन गया, साइन ए प्लस बी, ठीक है दोस्तों। अब ये फार्मूले, मैंने फार्मूले के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, ठीक है दोस्तों। हाँ जी, और मैंने साइड में भी लिख रखे हैं, साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ऐसी ए माइनस बी का, ऐसी कोस ए प्लस बी का, कोस ए माइनस बी का, टेंजेंट ए प्लस बी का, ठीक है दोस्तों। ये सारे फार्मूले मैंने लिख रखे हैं जो इस चैप्टर में यूज़ होंगे। हाँ जी, फार्मूले के अकॉर्डिंग फार्मूला यूज़ करते हैं, इसको ए इसको बी, फार्मूला ओपन करते हैं, साइन ए कोस बी, ए की जगह पे 60, ए की जगह साइन ए कोस बी प्लस, अब कोस ए क्योंकि ए की वैल्यू 60 मान लिया मैंने, और इसको बी, ठीक है दोस्तों। हाँ जी, साइन 60, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, ठीक है। कोस 45 डिग्री की 1/√2 प्लस कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, इसकी वैल्यू 1/√2, ठीक है। हाँ जी, 2√2 क्या आ गया मेरा, एलसीएम आ गया, ठीक है। यहाँ पे बचा √3 और +1, ठीक है। तो ये क्या आ गया मेरा राइट आंसर, यानी कि साइन 105 डिग्री की वैल्यू, यानी कि साइन 105 डिग्री वैल्यू मेरे पास ये आ गई, ठीक है दोस्तों। और क्वेश्चन देखते हैं, आइए साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकाल के देखते हैं, साइन 50 डिग्री, हाँ जी साइन 50 डिग्री, ठीक है दोस्तों। 15 डिग्री को मुझे इन ये 5 एंगल दे रखे हैं, इन एंगल प्लस माइनस करके लिखने हैं एंगल को, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, 15 डिग्री को मैं 45 माइनस के 30 लिख सकता हूँ, तो ये क्या बन गया, साइन ए माइनस बी, फार्मूला ओपन कर दो तो क्या हो जाएगा, साइन ए हाँ जी कोस बी माइनस के कोस ए और साइन बी, ठीक है दोस्तों। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√, और ये कोस 30 की वैल्यू √3/2, अगेन 1/2, और ये 1/2, हाँ जी 2√2 एलसीएम आ गया, और यहाँ पे √3 और -1, तो ये क्या आ गया मेरे पास, राइट आंसर आ गया। आइए और क्वेश्चन देखते हैं, आइए एक वैल्यू और फाइंड आउट करते हैं। जैसे टेंजेंट 15 डिग्री, ठीक है दोस्तों। अब 15 डिग्री को मैं इन एंगल की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, 15 डिग्री को मैं टेंजेंट 45 - 30 लिख सकता हूँ, हाँ जी ये क्या बन गया, टेंजेंट ए माइनस बी, ठीक है दोस्तों। अब टेंजेंट ए प्लस बी का फार्मूला ये होता है, ठीक है, मैंने आपको फार्मूला वाली वीडियो में करवाया था, हाँ जी प्लस है, अगर यहाँ माइनस आ जाए तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, सिंपल है फार्मूला। हाँ जी, यहाँ पे माइनस है क्योंकि टेंजेंट ए माइनस बी है ना, तो क्या बन जाएगा फार्मूला, टेंजेंट ए माइनस के टेंजेंट बी अपॉन 1 + के टेंजेंट ए इंटू में टेंजेंट बी, इसका फार्मूला वैल्यू पुट कर देते हैं, टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है और टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3, इसकी वैल्यू 1, हाँ जी टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 इंटू और टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3, तो इसकी एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ गया, √3 - 1/
रूट थ्री और बटे रूट थ्री प्लस वन बटे रूट थ्री, यह घूम के ऐसे ऊपर चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो घूम के क्या हो जाएगा यहाँ पे रूट थ्री बटे में रूट थ्री वन, इसके साथ ये कट गया तो क्या आ गया रूट थ्री माइनस वन बटे रूट थ्री प्लस वन, ठीक है दोस्तों। अगर आंसर यहाँ तक है तो यहीं तक छोड़ दो, ठीक है दोस्तों। अगर उसने आगे रेसलाइजिंग करके और सोल्व करके आंसर तो आगे सोल्व कर दे, तो निचले वाले फैक्टर क्या कर दो रेसलाइजिंग कर दो, ठीक है दोस्तों। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, हाँ जी ऊपर क्या बन गया ए माइनस बी का होल स्केयर और नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्केयर माइनस के बी का स्केयर, ठीक। फार्मूला ओपन करेंगे, ए स्केयर डायरेक्ट कर देता हूँ मैं रूट थ्री का स्केयर प्लस वन माइनस के टू रूट थ्री, ठीक है दोस्तों। इसको सॉल्व करके देख लीजिए आप, यही आएगा, नीचे बन जाएगा थ्री माइनस के वन, तो ये क्या बन गया फोर माइनस के टू रूट थ्री बाय में टू, ठीक है। और यहाँ से टू कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया सॉरी टू माइनस रूट थ्री बाय टू, इससे ये कट गया, तो ओवरऑल आंसर मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया टू माइनस के रूट थ्री, ठीक है दोस्तों। तो टेंजेंट 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है टू माइनस के रूट थ्री होती है, ठीक। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे क्वेश्चन आ गया मेरे पास, ठीक है दोस्तों, और चार आंसर दे दिए जाएंगे, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगर मैं ये फार्मूला देखूँ टेंजेंट ए प्लस बी का फार्मूला, तो क्या होता है टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन वन माइनस के टेंजेंट ए टेंजेंट बी, ठीक है दोस्तों। तो ये वाली साइड अगर ए की जगह मैं 66 लूँ और बी की जगह 69 लूँ, तो ये फॉर्म नहीं है सेम टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन वन माइनस के टेंजेंट ए टेंजेंट बी, ठीक है। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, इस साइड को मैं ये साइड लिख सकता हूँ, तो हाँ जी इसका फार्मूला होगा ए की जगह पे क्या है 66 और बी की जगह पे क्या है 69, ठीक है दोस्तों। तो इसकी वैल्यू आ गई 135, ठीक है दोस्तों। और टेंजेंट 135 की वैल्यू मैंने आपको निकालना सिखाई थी, वो क्या होती है टेंजेंट 90 प्लस में 45 लिख सकते हैं, पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है दोस्तों। और ये क्या होता है माइनस के कोट 45, और कोट 45 की वैल्यू आपको कोट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से पता ही है, वो क्या होती है 1, तो आगे माइनस है तो माइनस 1, और माइनस 1 क्या बी, तो बी क्या जाएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन देखते हैं, आइए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है इफ साइन ए इक्वल टू 3/5 एंड कोस बी इक्वल टू माइनस के 12/13, ठीक है दोस्तों। एंड ए एंड बी, ए और बी कोई एंगल है, वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट, मैंने आपको क्वाड्रेंट बताया था क्या होता है, और मुझे फाइंड आउट करनी है साइन ए प्लस बी की वैल्यू, ठीक है दोस्तों। अब मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन ए प्लस बी की, मैंने अभी भी इसका फार्मूला बताया क्या होता है, ओपन कर लेते हैं साइन ए प्लस बी क्या होता है फार्मूला साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक। फार्मूले में ये वैल्यू पुट कर दो क्वेश्चन हो जाएगा मेरा, पर मेरे पास क्या क्या वैल्यू है मेरे पास, अभी मेरे पास वैल्यू है साइन ए की वैल्यू तो है मेरे पास, साइन ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 3/5, और किसकी वैल्यू है मेरे पास कोस बी की वैल्यू भी है मेरे पास, वो क्या है मेरे पास माइनस के 12/13, बट ना तो मेरे पास कोस ए की वैल्यू है ना मेरे पास साइन बी की वैल्यू है, ये तो नहीं है मेरे पास। ये दो वैल्यू मुझे क्या फाइंड आउट करनी है, एक तो कोस ए की और एक साइन बी की, ये दोनों वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया था, हाँ जी। अगर साइन ए इज इक्वल टू 3/5 है, वहाँ से मैं पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकाल सकता हूँ, आइए इसको देखते हैं। पहले यहाँ से हम कोस ए की, क्यों साइन ए से ही कोस ए की वैल्यू आएगी, ठीक है, पहले कोस ए की वैल्यू निकालते हैं। हाँ जी मैंने आपको बताया था एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है इस तरह से, ठीक है, जहाँ से एंगल मेजर करता हूँ, ठीक है, उसके सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, और एंगल क्या मेरा ए, तो ए एंगल ये रहा और ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये मेरे पास हाइपोटेनियस है। हाँ जी साइन ए, साइन किसके बराबर होता था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है दोस्तों। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है मेरा 3 है और हाइपोटेनियस क्या है मेरा 5 है। इसके ऊपर क्या लगाया था हमने, इसके ऊपर पाइथागोरस प्रमेय लगाई थी, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हाइपोटेनियस का स्केयर, हाइपोटेनियस 5 है, तो इसका 5 का स्केयर 25 इज इक्वल टू बेस की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है और परपेंडिकुलर से 3 का स्केयर 9 आ जाएगा, तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू बी स्केयर, तो 16 इज इक्वल टू बी स्केयर, तो बी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 4 आ गई, ठीक है दोस्तों। बी की वैल्यू 4 आ गई, ये वैल्यू आ गई मेरे पास 4 आ गई। अब मैं यहाँ से किसी की भी वैल्यू निकाल सकता हूँ, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ से कोस ए की वैल्यू, हाँ जी। तो कोस ए किसके बराबर आ जाएगा, कोस ए किसके बराबर होता है पी बी पी एच, ये होता है, ठीक है दोस्तों। कोस ए होता है बी बाय एच, बेस बाय हाइपोटेनियस 4/5। अब ये पता करना है इसका कि प्लस लिखेगा माइनस लिखेगा, मैंने आपको बताया था सेकंड क्वाड्रेंट, हाँ जी सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट कोस क्या होता है नेगेटिव होता है, तो माइनस आ जाएगा,
तो कोस ए की वैल्यू माइनस के 4/5 आ गई। हाँ जी, अब कोस बी की वैल्यू देखिए, यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लूँगा मैं, साइन बी की, साइन बी की वैल्यू निकालूंगा। इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। हाँ जी, कोस किसके बराबर होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस के बराबर होता है, यानी कि बेस की वैल्यू 12 दे रखी है और इसकी वैल्यू 13 दे रखी है। ठीक है दोस्तों, आप जब इसको सोल्व करोगे तो पी की वैल्यू 5 आएगी पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से साइन बी की वैल्यू निकाल देंगे, साइन बी, साइन किसके बराबर होता है, अब ये एंगल बी हो गया क्योंकि मैं कोस बी के अकॉर्डिंग ये वैल्यूज लिए हैं। ठीक है दोस्तों, साइन बी क्या होता है, पी बाय एच के बराबर होता है, पी के 5 और एच के 13। अब इसका आगे देखना, प्लस लिखें क्या माइनस लिखें, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट साइन क्या होता है, पॉजिटिव यानी प्लस ही रहेगा। तो ये वैल्यूज आ गई मेरे पास, और फार्मूले में क्या कर दो, वैल्यू पुट कर दो इस फार्मूले में। हाँ जी, साइन ए कोस बी, कोस बी बी की वैल्यू क्या है, माइनस के 12/13, ये 13 है। ठीक है दोस्तों, प्लस कोस ए, इसकी वैल्यू क्या है, माइनस के 4/5, माइनस के 4/5 मल्टीप्लाई साइन बी, 5/13। इसको सोल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा माइनस के 36/13/65। ठीक है, यह आ जाएगा माइनस के 20/13/65। ठीक है दोस्तों, 65 एलसीएम आ गया यहाँ पे, ये कितना बन गया, 0 और 3 और 2 6। ठीक है, तीन और दो पाँच। तो ये क्या आ गया मेरा राइट आंसर, यानी कि साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, यहाँ लिख देता हूँ, साइन ए प्लस बी की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस के 56/65। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आएगी। थैंक यू वेरी मच।